हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में भी हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जो जनरली पूछा जाता है डायमेंशन से रिलेटेड। देखो अभी क्या है, हमने देखा था कि लॉ के टर्म में दिया हुआ है, तो कोई भी यदि कांस्टेंट दिया हुआ है, यदि लॉ के फॉर्म में है, तो उसका डायमेंशन हम कैसे हैं, मतलब उसका डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्सपोनेंट के फॉर्म में है तो उसका डायमेंशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका डायमेंशन हम कैसे यूज करेंगे। लेकिन यहाँ देखो क्या है, यहाँ इंटीग्रेशन में दिया हुआ है। ये आपको मैंने बताया था कि ये क्या है, इंटीग्रेशन का साइन। आपको ये रिजल्ट नहीं है, जब आगे पढ़ोगे तो आपको इंटीग्रेशन जब कैलकुलस चैप्टर पढ़ोगे तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। यहाँ जब हम एन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपने को करना क्या है कि बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, है ना, डायमेंशन एनालिसिस आपको रिजल्ट डिराइव नहीं करना है, ये रिजल्ट दिया हुआ है ना। अपने को क्या करना है कि बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस एन का यहां वैल्यू क्या होगा वो कैलकुलेट कर, आई मीन एन शुड बी व्हाट, एन का वैल्यू जीरो होगा, वन होगा, माइनस वन होगा, वन बाई टू होगा, हाफ होगा, आई मीन टू होगा, थ्री होगा, क्या वैल्यू होगा, कि LHS और RHS क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, आई मीन ये जो दिस इक्वल टू क्या हो जाए, दिस हो जाए। ये अपने को यहां वैल्यू फाइंड आउट करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन साइन दे करके घबराना नहीं है, है ना, क्या है, इंटीग्रेशन साइन देख करके घबराना नहीं है, डरना ही नहीं है। बेसिकली ये जस्ट ऐसे आपको क्या, इसको घुमा करके, आई मीन थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछा जाता है जनरली। तो इसमें मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं और सब में क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मोर और लेस क्या है, सेम है। आपको क्या करना है कि कोई भी यदि इक्वेशन दिया हुआ है या रिलेशन दिया हुआ है फिजिकल, तो उसमें करना क्या है कि LHS और RHS का डायमेंशन क्या है, इक्वेट करना रहता है। और भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको क्या करना रहता है, यूज करना होता है। तो सबसे पहले ये इनवर्स जो फंक्शन होता है, आई मीन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसको बोलते हैं, उसका डायमेंशन शायद मैंने बताया भी था, लेकिन फिर से मैं बता देता हूं, फिर हम आते हैं यहां इसको सुनिए। तो इसमें क्या है, और सब आप जानते हो, यदि देखो दिया हुआ है वाई इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ क्या होगा, एक्स। तो एक्स जो होगा ये क्या होगा, देखो ध्यान से, क्या होगा, डायमेंशन लेस, और ये टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है साइन कॉस, ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, ये डायमेंशन लेस होता है। तो वाई भी क्या होना चाहिए, यहां से डायमेंशन लेस होना चाहिए, क्योंकि देखो RHS डायमेंशन लेस हो गया तो LHS भी क्या होगा, क्या होना चाहिए, LHS को डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि y शुड भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। ठीक है, अब यहां से हम लिखते हैं, देखो y इक्वल टू ए हो तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन क्या होगा, ये सॉरी x साइन इनवर्स ऑफ y। इसका मतलब यहां मैंने बताया कि x क्या है, एंगल है, x क्या है, एंगल है, तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। देखो दिस इज डायमेंशन लेस, तो ऑफकोर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो ये भी क्या होगा, दिस विल भी क्या होगा, डायमेंशन, डायमेंशन लेस, ए वाला वाई जो होगा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, डायमेंशन लेस, ये आपको समझ में आया, बस यही, आई मीन कोई भी। तो यहां क्या लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल
एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो, टी रेस टू जीरो, ये याद रखना है कि जितने भी इनवर्ट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। क्या होगा उनका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। बस यही क्या करना है आपको, यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब आप दूसरा जो इसमें पॉइंट है याद रखना है, ये इंटीग्रेशन से डरना नहीं है, बिल्कुल इंटीग्रेशन से डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। ये समझ में आया कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका डायमेंशन क्या होता है, जीरो होता है। ये देखो यहां से मैंने बताया कि y इक्वल टू साइन एक्स है तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, ये सभी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो इसका मतलब साइन एक्स डायमेंशन हुआ तो y भी डायमेंशन लेस हो गया, और आर्गुमेंट जो होता है या एंगल जो होता है वो भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो यदि आप इसको इनवर्स में लिखोगे तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y। अब यहाँ x भी डायमेंशन लेस है तो ऑफकोर्स साइन इनवर्स ऑफ y भी डायमेंशन लेस होगा और y भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट ये अपने को मालूम चल गया। दूसरा बस यही अपने को क्या करना है, यूज करना है। अब यहाँ घबराना नहीं है, ये इंटीग्रेशन से जिसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ए का सॉल्यूशन देख रहे हैं, है ना, दिया क्या है कि डी ऑफ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए रेज टू एन साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, यही है ना, क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। अब देखो क्या है, यहां सिंपल है, इंटीग्रेशन से मुझे कोई मतलब नहीं है, इंटीग्रेशन को भूल जाएंगे। अब लिखेंगे डायरेक्ट कि डायमेंशन ऑफ दिस, आई मीन डायमेंशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए रेज टू एन साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, बस सिंपल। ए स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, डायमेंशन। यहाँ इसको हम ऐसे मान लेंगे, देखो इसको समझ ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ dx को हम क्या मानेंगे, चेंज इन सिंपल चेंज इन x, ठीक है, क्या होगा, चेंज इन x। तो हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ dx विल बी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, x, सिंपल हम लिख देंगे। तो डायमेंशन ऑफ क्या लिखेंगे, dx is equal to क्या होगा, dimension of x। क्यों, क्योंकि x में change है तो change in velocity, x यदि velocity होगा तो change in velocity का भी dimension क्या होगा, velocity होगा, क्या होगा, change in velocity का जो dimension होगा वो भी क्या होगा, velocity होगा। तो यहाँ केवल ध्यान देना है कि dx क्या होता है, change in, क्या पढ़ते हैं हम इसको, change in x। तो dx का जो dimension होगा वही क्या होगा, x का डायमेंशन होगा। डायमेंशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, डायमेंशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। अब यहाँ एक्स कोई भी क्वांटिटी हो सकता है यार, है ना, तो हम मान लेते हैं कि एक्स क्या है, लेंथ है, सिंपल, क्या है, लेट लेट एक्स इज लेंथ। तो डायमेंशन ऑफ डी एक्स is equal to क्या होगा, dimension of l, हो गया। अब देखो यहां देखो LHS, इसको मान लेते हैं LHS और ये क्या है RHS, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा। अब देखो इधर LHS का dimension लिखते हैं, है ना, तो देखो तो dimension of हम क्या लिखेंगे, dx upon, ठीक है, ax square minus क्या होगा x square, है ना, के पावर 1/2। अब देखो ये क्या है, लेंथ है, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, आई मीन एक्स का, एक्स लेंथ है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एल स्क्वायर होगा, तो यहां भी क्या होगा, ए स्क्वायर डायमेंशन होगा। यहां से भी आप देख सकते हो, देखो कि हम लिख सकते हैं यहां कि एक्स अपॉन ए क्या होगा, जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। अभी बताया था या इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए, आई मीन डायमेंशन ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स और एल का जो डायमेंशन है वो क्या है, सेम है, ठीक है, तो यहां से मालूम चल गया। अब देखो ई भी एल है, ई भी एल है,
और ये भी एल है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, देखो ध्यान से, डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एल आई मीन लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, ए डायमेंशन ऑफ, देखो ये भी क्या हुआ, लेंथ स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर आई मीन लेंथ स्क्वायर का डायमेंशन होगा, तो डायमेंशन ऑफ एल स्क्वायर के पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू जीरो, आई मीन हम लिख सकते हैं ठीक है, इधर ए डायमेंशन लेस हो गया, कोई डाउट नहीं है ना इसमें, आई मीन ये क्या हो गया डायमेंशन लेस हो गया, तो ये तो ऑलरेडी क्या है डायमेंशन लेस है, तो इसको भी क्या होना चाहिए डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो आप यहां से आसानी से बता सकते हो कि देखो इधर क्या है, इधर डायमेंशन लेस हो गया और ये भी क्या हो गया डायमेंशन लेस हो गया, देखो इधर हम लिख सकते हैं, अब हम ये समझ में आया कि ये वाला क्या हुआ डायमेंशन लेस हो गया, तो इसको भी क्या होना चाहिए डायमेंशन लेस होना चाहिए, और ये ऑलरेडी क्या है डायमेंशन लेस है ना, तो अब हम लिख सकते हैं कि तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस इक्वेशन को लिखेंगे तो m रेस टू क्या लिखेंगे 0 l रेस टू 0 t रेस टू 0 इज इक्वल टू a रेस टू आई मीन l के पावर क्या लिखेंगे l के पावर n इनटू क्या लिखेंगे ये भी इसका भी डायमेंशन क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, अब देखो ये तो कैंसिल आई मीन यहां क्या होगा l के पावर क्या हो जाएगा l के पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इसको लिख सकते हैं डायमेंशन एल के पावर 0, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये एचसी वर्मा में भी क्वेश्चन दिया होगा, बीएम शर्मा भी कोई बुक में, ये बात समझ में आई आपको, देखो फिर से मैं समझा देता हूँ आपको, पहले तो कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है कि साइन इनवर्स जो होगा आई मीन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, तो ये डायमेंशन लेस हुआ और ये जो एंगल आर्गुमेंट दिया हुआ है तो x अपॉन ए भी क्या होना चाहिए डायमेंशन लेस होना चाहिए, x को हमने क्या माना लेंथ, तो x यदि लेंथ का डायमेंशन है तो ए भी क्या होगा लेंथ होगा यार, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मालूम चला कि ये क्या हो जाएगा लेंथ की पावर n हो गया, अब इधर से हमने देखा तो ए वाला इसका जो डायमेंशन है वो हमने क्या देखा कि 0 है, तो इसका भी l के पावर n इधर भी क्या होना चाहिए 0 ही होना चाहिए यार, है ना, आई मीन इधर क्या है इधर डायमेंशन लेस है तो इधर भी क्या होना चाहिए डायमेंशन लेस होना चाहिए, इसलिए एन का पावर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है, आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगेन कोई भी टेस्ट देखो एक क्वेश्चन ही रहेगा ही, है ना, आसान है और कुछ नहीं करना है इसमें, बी में देखो कि यदि दिया हुआ है यहां कि डी ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, is equal to क्या दिया हुआ है a raise to n sine inverse of x upon a minus 1, ठीक है, यहां भी अपने को क्या करना है, अब देखो यहां मैं लिख दूं कि x क्या है, x को हमने क्या मान लिया लेंथ, ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ dx is equal to क्या होगा डायमेंशन ऑफ x is equal to l, ठीक है, अब हम आते हैं यहां इसका डायमेंशन लिखने के लिए, देखो अलग अलग लिख देता हूं, इसका डायमेंशन क्या होगा, चलो पहले इसका डायमेंशन लिख देते हैं, लिखा अब इधर से हम यदि आए ठीक है तो ये क्या होगा आर्गुमेंट जो होगा ये क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, x का जो डायमेंशन है हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा x अपॉन a इज इक्वल टू क्या होगा m रेस टू 0 l रेस टू 0 t रेस टू 0, तो डायमेंशन ऑफ x is equal to क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा a, आई मीन डायमेंशन ऑफ a is equal to क्या होगा l, ठीक है, तो l का डायमेंशन अपने को a का डायमेंशन मालूम चल गया, अब हम किसका डायमेंशन लिखे हैं, देखो इधर से इसका डायमेंशन लिख देते हैं यार अलग अलग लिख देता हूँ, तो ये क्या होगा 2ax माइनस क्या हो गया x स्क्वायर का डायमेंशन, तो देखो तो ये क्या होगा L into L length square minus length square, तो इसका dimension क्या हो जाएगा direct लिख सकते हैं L direct लिख सकते हैं, अरे होगा क्या इसका dimension L, अब आप आसानी से क्या कर सकते हो LHS और RHS से देखो, अब देखो क्या है ये क्या होगा आप I mean ये total जो होगा integrations ये क्या है dimension less होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि इसका जो dimension लिखोगे d of x
क्या होगा, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, m रेस टू 0, l रेस टू 0, t रेस टू 0, ठीक है। यहाँ हमने देखा कि साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a माइनस 1 का भी डायमेंशन जो है क्या है, m रेस टू 0, l रेस टू 0, t रेस टू 0, तो ये भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, है ना। अरे a डायमेंशन, इसका डायमेंशन 0 हो गया, इसका भी डायमेंशन, आई मीन a डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस है, LHS डायमेंशन लेस है, तो RHS भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, RHS भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। और RHS डायमेंशन लेस तभी होगा जब RHS क्या हो जाए, आई मीन ये वाला जो टर्म हो जाए वो क्या हो जाए, n से इंडिपेंडेंट हो जाए, आई मीन ये वाला टर्म क्या हो जाए, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, तो ये भी क्या होगा, डायमेंशन, ये वाला जो टर्म होना चाहिए, देखो दिस इज नथिंग बट द, हम बोल सकते हैं यहाँ कि दिस इज क्या होगा, डायमेंशन लेस, दिस इज ऑल्सो क्या होगा, डायमेंशन लेस, तो ऑब्वियसली इसको भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म डायमेंशन लेस तभी हो सकता है जब ए जो हो क्या हो जाए, एन से क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, आई मीन एन का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यहां से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां कि डायमेंशन लेस, देखो इज इक्वल टू ए रेस टू क्या होगा, एन इंटू डायमेंशन लेस, ठीक है। हैंस ये रिलेशन देखो, तो इधर LHS डायमेंशन लेस हो गया, तो RHS को भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, और ए जो है वो क्या है, लेंथ है, तो इधर ए लेंथ, आई मीन इधर भी क्या होगा, एल का डायमेंशन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है, इसलिए एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, कि यहां दिया हुआ है सी में क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, सी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है डी एक्स अपॉन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए टैन इनवर्स अब क्या होगा, एक्स अपॉन, अब हर जगह 0 मत रट जाना तुम लोग, कि अरे एन जैसे इक्वेशन दिया हुआ है, फास्ट हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, तो जब फास्ट 0 लिखोगे तो तुमको माइनस 1 मार्क्स में मिलेंगे, हर जगह 0 नहीं है, केवल रूल समझना है कि इंटीग्रेशन जो साइन होता है डायमेंशन लेस होता है, सिंपल याद रखना है। तो इंटीग्रेशन के अंदर जो क्वांटिटी है, आई मीन जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसका डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ये अपने को मालूम चल गया, यहाँ भी क्या है, ए के पावर क्या है, सॉरी ए के पावर क्या दिया हुआ है, यहाँ यहाँ ऐसे लिख लो, ए के पावर क्या होगा, एन, ठीक है। अब हम अगेन हमने यहाँ क्या माना, सोल्यूशन में हम क्या मान ले रहे हैं कि x क्या है, देखो सॉल्यूशन में हम क्या लिख रहे हैं, x क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो अपोज dx भी होगा, हो कि भी क्या होगा, लेंथ होगा, है ना, तो डायमेंशन ऑफ dx इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ l, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्या मैंने बताया कि ये जो होता है क्या है, सिंपल इंटीग्रेशन, ऐसे लिख सकते हो इसको, है ना, इसको लिख सकते हैं कि डायमेंशन लेस, याद रखना कि इंटीग्रेशन साइन जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। अब हम ए एक्स स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन लिखें तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, यार सही है, क्योंकि देखो ये क्या है एक्स, अब तुम बोलो कि कैसे, तो यहां से देखो ये भी क्या होना चाहिए, चलो पहले ही तुमको बाद में, अब हम इसको लिखें, देखो ये वाला ए क्या होना चाहिए, दिस विल बी डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस तभी होगा जब क्या होगा, आई मीन एक्स अपॉन क्या होना चाहिए, ए शुड बी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस, आई मीन क्या होना चाहिए, एम रेस टू 0, एल रेस टू 0, टी रेस टू 0, यही होगा ना डायमेंशन लेस। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा, ए शुड बी इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन, ठीक है। अब यहाँ अपने को मालूम चल गया कि हर टर्म का मैंने अलग अलग क्या किया, आई मीन ए का वैल्यू लिख दिया, अब इसका
अब देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन, देखो ये क्या है, लेंथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ लेंथ स्क्वायर, ये क्या होगा डायमेंशन ऑफ। अब हम आते हैं LHS का डायमेंशन लिखने के लिए, है ना। तो LHS का डायमेंशन लिखोगे, आई मीन देखो ऐसे लिख रहा हूं कि डायमेंशन ऑफ क्या होगा d ऑफ x, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ dx अपॉन क्या होगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ dx अपॉन क्या होगा डायमेंशन ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये क्या होगा डायमेंशन ऑफ लिख सकते हैं L अपॉन क्या होगा L स्क्वायर, आई मीन दिस इज नथिंग बट द, इधर क्या होगा L के पावर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, इधर क्या हो गया L के पावर क्या हो गया माइनस वन। अब हम आते हैं RHS में डायमेंशन लिखने के लिए यार, RHS क्या लिखेंगे, तो देखो LHS मैंने लिख लिया, अब RHS लिख लें तो इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ, देखो तो टेन इनवर्स एक्स जो होगा ये डायमेंशन लेस होगा, तो आर एच एस का डायमेंशन क्या होगा एल के पावर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो तो एल के पावर माइनस एन इंटू क्या होगा ये डायमेंशन ऑफ क्या लिखेंगे टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, और दिस विल बी क्या होगा डायमेंशन लेस। तो इसका मतलब क्या है LHS और RHS का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो डायमेंशन LHS का डायमेंशन क्या है L के पावर माइनस वन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे RHS का डायमेंशन क्या है L के पावर माइनस एन इज, ठीक है, अब यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस केस में n इक्वल टू क्या आया, ठीक है। उसी तरह ये log में दिया हुआ है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या बोलता है या उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जितने भी कोई भी फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है तो उसमें जितने भी क्वांटिटीज होते हैं प्लस माइनस से कनेक्टेड होते हैं सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज करें। अब डी में हम आते हैं, डी में देखेंगे कि डी में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू एन, ठीक है ना, एल एन है ना, हाँ ई रेज टू एन एल एन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये ध्यान देना। अगेन उसी तरह सोचेंगे, यहाँ देख के लग रहा है, देखो ऐसे भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, ऊपर का डायमेंशन क्या हुआ एल, नीचे का एल, एल एल कैंसिल हो गया, लॉग क्या होता है डायमेंशन लेस होता है, इसलिए भी क्या होना चाहिए डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो एन का वैल्यू क्या आएगा जीरो आएगा। देखो ध्यान से ये क्या हुआ, ओवर हम लिख दें, ये क्या हुआ दिस इज डायमेंशन लेस, क्यों, क्योंकि देखो डी एक्स का जो डायमेंशन होगा वो भी क्या होगा एल होगा, हमने एक्स को एल उसके बाद हमने मान लिया, इसका भी डायमेंशन देखोगे किसका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन देखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया टर्म डायमेंशन लेस हो गया, लॉग जो होता है ऑलवेज क्या होता है डायमेंशन क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, और यहाँ से देखोगे तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एल, इसलिए यहां भी क्या होगा डायमेंशन लेस इज इक्वल टू एल के पावर क्या हो गया एन इंटू डायमेंशन लेस। तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, इधर डायमेंशन लेस ये भी डायमेंशन लेस हुआ, इसको भी क्या होना चाहिए डायमेंशन लेस होना चाहिए, इसलिए एन शुड भी क्या होना चाहिए जीरो, ठीक है।
उसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ क्या होगा, n का वैल्यू जीरो नहीं आएगा यहाँ, देखो इधर ध्यान से, ये क्या होगा, दिस विल बी क्या होगा, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। यहाँ हमने x को क्या माना, लेंथ माना, तो लेंथ अपॉन लेंथ स्क्वायर का डायमेंशन, तो इधर क्या होगा, l का पावर माइनस वन होगा, तो ये और ए डायमेंशन लेस हो गया, ए डायमेंशन लेस, ए के पावर एन इक्वल टू क्या हो गया, एल के पावर वन माइनस वन। और यहाँ देखोगे कि ए का डायमेंशन और एक्स का डायमेंशन क्या है, लेंथ के डायमेंशन के क्या इक्वल है, क्योंकि हमने एक्स को क्या माना है, लेंथ माना है, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन आएगा, ठीक है। तो इसको तुम घर पे सॉल्व कर लेना। तो इंटीग्रेशन टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने देखा आज। इसके बाद ठीक है, और हम कुछ सम देखेंगे। देखो दिया हुआ है, एक और एग्जांपल देखो, आई मीन क्वेश्चन नंबर हम क्या देखेंगे, टू, कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज गिवन एज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन, नहीं बीटा अपॉन अल्फा दिया, इंटू वन माइनस ई के पावर माइनस अल्फा टी, है ना, वेयर वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट, अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट एंड अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, फाइंड, देखो दिया हुआ है, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा का डायमेंशन अपने को क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, अगेन LHS और RHS का क्या है, डायमेंशन आपको लिखना है, ठीक है। तो पहले ये सोचो कि रिलेशन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ LHS, यदि ये रिलेशन करेक्ट है तो डायमेंशन ऑफ LHS मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ क्या होना चाहिए, RHS। अब हम आते हैं, देखो कि यहाँ क्वेश्चन हम लिखते हैं और उसके बाद x b अपॉन बीटा अपॉन अल्फा इंटू क्या होगा, वन माइनस ई के पावर माइनस अल्फा टी। अब देखो क्या है, ये क्या है, दिस इज पोजिशन, पोजीशन का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन के इक्वल होगा। ये हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल क्या होगा, ये क्या होगा, डायमेंशन डायमेंशन लेस होगा, ईक वाला टर्म जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। अब ये डायमेंशन लेस है तो ये भी डायमेंशन लेस, आई मीन ये जो ओवरऑल होगा वो क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ओवरऑल ये क्या होगा, वन माइनस ई रेस टू माइनस अल्फा टी क्या होगा। उसके बाद ये वाला आर्गुमेंट है तो ये भी क्या होगा, डायमेंशन डायमेंशन लेस होगा, है ना। अब ये डायमेंशन लेस तभी होगा, आई मीन क्या होगा, देखो ध्यान से हम लिख सकते हैं यहाँ कि डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू, तभी तो डायमेंशन, अब ये तभी होगा जब एल का जो अल्फा का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, टी के पावर माइनस हो जाए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन डायमेंशन ऑफ क्या होगा, टाइम, और डायमेंशन ऑफ टाइम इक्वल टू क्या होता है, टी, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, टी के पावर माइनस, ये मालूम चल गया आपने। अब ये डायमेंशन लेस हो गया तो हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू क्या होगा, नाउ हम ये बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ, देखो डायमेंशन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ बीटा
अपॉन क्या होगा अल्फा, और अल्फा का डायमेंशन अपने को मालूम है। देखो ये क्या है, पोजीशन है, तो पोजीशन का जो डायमेंशन होता है वो क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन। पोजीशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस हुआ, लेंथ हुआ, सबका डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखो एल का डायमेंशन इंटू डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। अब यहां हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एल इंटू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ, यहां एल टी माइनस वन जो होगा, एल टी माइनस वन का मतलब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी क्या होगा, वेलोसिटी, ठीक है, क्या होगा, वेलोसिटी का क्या होगा, डायमेंशन होगा, क्या होगा, बीटा जो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा यहां देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर वन मोल ऑफ, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर वन मोल ऑफ ए रियल गैस, रियल गैस इज गिवन एज, क्या होगा, देखो P प्लस E अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल टू आर टी, ठीक है, P प्लस है ना, वेयर P जो है क्या है, प्रेशर, वी जो है क्या है, वॉल्यूम, टी जो है क्या है, टी आई मीन ऐसे लिख दो, ठीक है, टी जो है क्या है, टेम्परेचर, ए बी एंड आर आर कॉन्स्टेंट, इसको गैसियस कांस्टेंट बोलते हैं। शायद तुम लोग मोल पढ़ रहे हो, अभी पढ़ लिए हो तो तुमको मालूम होगा कि आर जो होता है उसको गैसियस कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, ये तुम आगे फिजिक्स में भी पढ़ोगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ना रहता है, लेकिन फिजिक्स में जनरली हम इस रिलेशन को यूज नहीं करते हैं, केमिस्ट्री में लेकिन तुमको पढ़ना होगा, ठीक है। देन क्या है, देन फाइंड डायमेंशन डायमेंशन ऑफ ए एंड क्या है, एंड बी। अब हर जगह प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना है, तुम कैसे सॉल्व करोगे बता सकते हो मुझे, सोचो। अब देखो ये प्रेशर है तो ऑफकोर्स ये भी क्या होगा, प्रेशर होगा, ये वॉल्यूम है तो ये भी क्या होगा यार, वॉल्यूम होगा, एक स्टेप का है, कुछ नहीं करना है। अरे प्रेशर को प्रेशर के साथ ऐड कर सकते हैं और वॉल्यूम को यार वॉल्यूम के साथ हम ऐड कर सकते हैं। मैंने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जब हम पढ़ते जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि प्लस माइनस से जितने भी टर्म कनेक्टेड होते हैं सबका डायमेंशन क्या, जितने भी क्वांटिटी कनेक्टेड होंगे सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब क्या है कि ये प्रेशर है तो ऑफकोर्स क्या होना चाहिए, देखो यहाँ अब सोल्यूशन में मैं लिख देता हूँ कि क्या दिया हुआ है, पी प्लस ए अपॉन क्या होगा, वी स्क्वायर इंटू क्या होगा, वी माइनस वी इक्वल टू आर टी। अब देखो क्या होगा, दिस इज क्या होगा, प्रेशर, तो ऑफकोर्स इसका भी डायमेंशन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, टोटल का प्रेशर का। यदि वॉल्यूम है ना, तो ये हम लिख सकते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, या बाद में हम लिख देते हैं, ठीक है। देखो इसका डायमेंशन क्या हम लिख सकते हैं, पी
इज डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर, सही है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी इंटू क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। पी का डायमेंशन तुम लोग को मालूम है एम एल माइनस वन टी माइनस क्या होता है टू। अरे प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स। पी इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो P का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, फोर्स, फोर्स का एम एल टी माइनस टू अपॉन एल। तो यहाँ से फोर्स का डायमेंशन रखो, डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ क्या होगा एरिया, तुमको मालूम चल जाए ठीक है, इंटू एल रेस टू क्या होगा, एल रेस टू माइनस सिक्स, यही होगा क्या, नहीं एल रेस टू सिक्स, माइनस सिक्स नहीं होगा सॉरी। अब तो आसानी से हम लिख सकते हैं यार, तो एम एल रेस टू फाइव टी रेस टू क्या होगा, माइनस टू। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम, सिमिलरली हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, सिमिलरली डायमेंशन ऑफ वी, देखो यदि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ ही ऐड कर सकते हैं, तो बी यदि इसमें सब्ट्रैक्ट किया गया है तो बी का डायमेंशन क्या होगा, वॉल्यूम के डायमेंशन के क्या होगा, इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो भी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, एल क्यू, ठीक है। तो ये डायमेंशन ए और बी का डायमेंशन अपने को क्या हुआ, मालूम चल गया ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फोर क्या दिया हुआ, टाइम डिपेंडेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, टाइम डिपेंडेंट ऑफ ए फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन एस, देखो P इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पीनट e रेस टू माइनस अल्फा, क्या होगा अल्फा टी स्क्वायर, वेयर वेयर अल्फा एंड पीनट आर कॉन्स्टेंट, वेयर अल्फा एंड टी, अल्फा पीनट एंड अल्फा आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ, ठीक है, किसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है, अल्फा का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, क्या है अल्फा का डायमेंशन क्या है, कैलकुलेट करना है ठीक है। अगेन देखो कि क्या होगा, याद रखना है जब भी एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, e के पावर दिया हुआ है, e दिया हुआ है, तो क्या होगा डायमेंशनलेस होगा। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि क्या होगा e रेज टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, सिंपल इधर लिखेंगे क्या होगा, डायमेंशनलेस। ठीक है, ये डायमेंशन लेस, यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू टी स्क्वायर क्या होगा, डायमेंशन लेस। अरे बताया था कि एक्सपोनेंट जो होता है वो भी डायमेंशन लेस होता है, उसका आर्गुमेंट जो होता है वो भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो, टी रेस टू जीरो। तो अल्फा का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो, टी रेस टू जीरो अपॉन क्या होगा, टी स्क्वायर होगा ठीक है। इसलिए डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, टी के पावर माइनस टू। यहाँ से भी लिख सकते थे यार, इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो ये क्या होगा, टोटल डायमेंशन लेस होगा, तो ये यदि टी स्क्वायर का डायमेंशन है तो इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, वन अपॉन टी टी स्क्वायर होना चाहिए, तभी क्या होगा ये कॉन्स्टेंट होगा। तो ऐसे भी सॉल्व हम कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद एक और
इक्वेशन है, अच्छा आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ना। इसको देखो क्या दिया हुआ है, इन ए फॉर्मूला, ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन क्या होगा, गिवन फॉर्मूला एक्स वेयर एक्स एंड क्या होगा जेड हैव डायमेंशन ऑफ हैव डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वाई व्हाट इज द क्या होगा डायमेंशन डायमेंशन ऑफ क्या होगा वाई व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वाई इन इन एम के एस क्यू सिस्टम। देखो सिंपल याद रखना, एम के एस क्यू सिस्टम में क्या है, चार जो है उसको भी फंडामेंटल कंसीडर, ये क्या है एम के एस का क्या है एक्सटेंडेड फॉर्म है ना, एक्सटेंडेड फॉर्म। तो इसमें क्या है एम के एस क्यू में क्या किया गया है कि चार्ज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, और उसका डायमेंशन क्या होता है कैपिटल क्यू होता है। तो बस यही दूसरा ये, ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी में अभी आई डोंट नो कब आया है, लेकिन मुझे जहां तक मालूम है कि आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब सब कुछ मैंने बताया है, ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने कुछ नहीं बताया, कैपेसिटेंस मैग्नेटिक फील्ड सबका डायमेंशन ऑलरेडी मैं बता दिया। तो अब केवल यहाँ याद रखना है कि इन क्या है, इन एम के एस क्यू सिस्टम, केवल यही लिख लेना है कि इन एम के एस क्यू सिस्टम अब क्या होगा यूनिट चार्ज charge is considered as fundamental quantity having dimension capital Q, चार्ज को क्या किया गया है इस सिस्टम ऑफ यूनिट में फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर किया गया है, और चार्ज का डायमेंशन जो होगा क्या होगा कैपिटल क्यू होगा, ये ध्यान रखना है। जब भी एम के एस क्यू हो तो वहां चार्ज का जो चार्ज का डायमेंशन आप लिखोगे है ना उसको है ना कैपिटल क्यू लिखना, आई टी रेस टू -1 मत लिखना, वो क्या होगा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसके बाद देखो अब क्या क्या है ना कि ये दिया हुआ है कि x इक्वल टू क्या है 3yz। अब हम ये देखते हैं यहाँ से कि डायमेंशन x क्या दिया हुआ है, x क्या दिया हुआ है कैपेसिटेंस, क्या है x का जो डायमेंशन है, x का जो डायमेंशन है वो क्या है कैपेसिटेंस की डायमेंशन के क्या होगा
इक्वल होगा, सी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। और मैंने ये बताया था कि एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर क्या होता है, ये भी बताया था, फिर से बताया था हूं, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, कुछ याद है? नहीं याद होगा, भूल गए। क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होता है, 2C। ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं, देखो एनर्जी का डायमेंशन तो हम बोल सकते हैं C का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, C इक्वल टू हम लिख सकते हैं, C इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एनर्जी। ठीक है, अब यहां ये भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो कि डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Q अपॉन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। यही होगा यार, एनर्जी का डायमेंशन लिख, इसका डायमेंशन एम के एस क्यू में क्या लिखो, क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यही होगा। तो डायमेंशन ऑफ सी यदि लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो एम रेज टू माइनस वन, एल रेज टू माइनस टू, टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, यही क्या होगा, डायमेंशन हो जाएगा। अब हम आते हैं डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिख लें, जेड का जो डायमेंशन दिया हुआ है वो, जेड का डायमेंशन क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन दिया हुआ है। तो यहाँ एक्स का डायमेंशन मालूम चल गया, इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ एक्स। अब यहाँ दिया हुआ है कि डायमेंशन ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या है, डायमेंशन ऑफ बी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड ये भी बताया था, मैग्नेटिक फोर्स याद करो कि FM इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी होता है, ये बताया था। FM क्या है, मैग्नेटिक या F मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू बी, तो यहां से लिख सकते हैं B इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज इंटू वेलोसिटी। अब यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, M L T माइनस टू, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, Q, और V का डायमेंशन L T माइनस क्या होगा, 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, M, देखो L से L कैंसिल होता है, M है ना, T माइनस वन, Q माइनस क्या हो जाएगा। ठीक है, ये डायमेंशन मालूम चल गया, B और Z का डायमेंशन मालूम चल गया, है ना। अब हम आते हैं क्या दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं देखो कि डायमेंशन ऑफ X इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वाई इज इंटू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ जेड स्क्वायर, यही होगा। तो डायमेंशन ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एक्स अपॉन डायमेंशन ऑफ जेड स्क्वायर, यही होगा। डायमेंशन ऑफ एक्स लिखो, क्या लिख सकते हो, एक्स का डायमेंशन क्या है, एम रेज टू माइनस वन, एल रेज टू माइनस टू, टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड का जेड स्क्वायर, देखो तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर टी माइनस क्या हो जाएगा, टू क्यू माइनस टू। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, अब कुछ नहीं करना है, सिंपली एम रेज टू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री, ठीक है, एल रेज टू माइनस टू, टी रेज टू फोर, और Q रेज टू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या होगा, वाई का क्या हुआ, यही आंसर होगा, है ना। ये आपको ध्यान देना है,
कि यदि इस टाइप का प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे डील करेंगे। अब हम आते हैं, एक पॉइंट और पढ़ना है, ठीक है, तो और हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक दो, फिर मैं आपको कुछ पॉइंट, ठीक है, न्यूमेरिकल देखेंगे कि ऑर्डर इन मैग्नीट्यूड क्या होता है ना, ऑर्डर ऑफ, देखो या इसको स्टैंडर्ड क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, और इसी क्या बोलते हैं, नोटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको सिंपल कि नोटेशन ऑर्डर क्या होता है अभी देखेंगे। और इस फॉर्म में हम क्या करते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के का जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में हम लिखते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, है ना। तो ये ध्यान देना, देखो क्या होता है इसमें, सबसे पहले आपको देखना है कि हम यूज कब करेंगे। जैसे मान लो कि फिजिकल क्वांटिटी कोई भी दिया हो, उसका वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो आप यार ऐसे नहीं लिख, 2, 3, 4, 5 ऐसे तो नहीं लिख सकते ना। तो हम क्या करते हैं, इन स्टैंडर्ड नोटेशन हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, 10 के पावर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 10 के पावर में लिखते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि मास ऑफ सन लिख, सन का मास बताओ या मास ऑफ अर्थ बताओ, तो सन का मास जो होता है 10^10 क्या होगा, नियरली क्या होता है, 10^30 kg के फॉर्म में होता है, 10^30। अब यार 10^30 को आप ऐसे कैसे लिखोगे, तो बेटर क्या है कि 10^30 के टर्म में लिख दें। मास ऑफ, जब आप अर्थ देखोगे तो 10^24 kg के फॉर्म में आता है, 10 के पावर क्या होगा, 24। अभी आपको मालूम है कि कितना होगा, अब इसको आप यदि ऐसे लिखो 1, 2, 3, 4, 5 या 10 × 10, अब ऐसे लिखो 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, तो ये कितना लेंदी होगा, और कितने ये लिख पाएंगे हम 10^24, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, और कितना स्पेस कितना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। लेकिन यदि आप इसको 10 के पावर में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर में लिखोगे तो बस कंसाइज फॉर्म में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, स्पेस भी बहुत कम जरूरत होगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि व्हेन मैग्नीट्यूड इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, 10 के पावर में लिखते हैं, क्या करते हैं, 10 के पावर में लिखते हैं। तो और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है वो बताता हूं, तो इन क्या होगा, यहां मैं लिख देता हूं, इन क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म मैग्नीट्यूड ऑफ या वैल्यू ऑफ, न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं लिख करके, क्योंकि मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू या वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी इज रिटेन इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10, ठीक है।
तो बेसिकली क्या होता है, पावर ऑफ टेन जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है, या ऑर्डर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ जो पावर ऑफ, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, जब भी हम लिखते हैं तो क्या होना चाहिए, इन दिस फॉर्म आफ्टर वन डिजिट देयर मस्ट बी क्या होना चाहिए, डेसिमल, क्या होना चाहिए। तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ लिख देता हूँ, क्या होगा, इन स्टैंडर्ड फॉर्म देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी डेसिमल आफ्टर आफ्टर वन डिजिट, आफ्टर फर्स्ट डिजिट है ना, आफ्टर फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी ए डेसिमल आफ्टर फर्स्ट डिजिट इन द गिवन वैल्यू, ठीक है। जैसे देखो क्या होगा कि जैसे मान लो कि कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया, एन मैंने मान लिया, एन इक्वल टू क्या, ए इंटू टेन रेज टू हमने क्या माना, बी मान लिया, ठीक है, क्या माना, बी मान, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर और ये जो होना चाहिए इसमें क्या होना चाहिए, हम लिखेंगे ये क्या, इसमें क्या होना चाहिए, आफ्टर फर्स्ट डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए, ऑलवेज आफ्टर फर्स्ट डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आफ्टर फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए, देयर शुड बी डेसिमल आफ्टर फर्स्ट डिजिट, तो ये ध्यान देना है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो अब इसमें कुछ रूल होते हैं कि यदि क्या हो जाए, आई मीन इफ यहां देखेंगे क्या होगा कि इफ इफ 10 raised to b is less than क्या होगा 3. आई मीन ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ नोट में लिख देता हूँ, है ना, कि यदि n n equal to क्या दिया, क्या लिखेंगे, n equal to क्या लिखेंगे, a if क्या होगा 10 raised to b is less than 3.16, किसी बुक में 5 भी दिया हुआ है, आई मीन यदि क्या हो जाए ये 3.16 से छोटा हो जाए वाला टर्म, तो इसको हम जगह हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, ठीक है, और इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, a प्लस 1 इफ क्या होगा 10 रेज टू b इज ग्रेटर देन क्या होगा 3.16, ये ध्यान देना है जब भी आप राउंडिंग ऑफ करोगे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखो कि आप सभी को मालूम है कि क्या होता है कि यहां देखो कि हम जानते हैं, जिसे मान लो कि दिया हुआ है 1, 2, 4, 5, 6 kg, ये मास दिया हुआ है, क्या है, मास दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में मुझे लिखना है, क्या करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको क्या करना है, लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, आई मीन एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि क्या होना चाहिए, देखो कि फर्स्ट डिजिट के बाद क्या होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए, हमेशा याद रखना है। तो फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 के बाद क्या होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए, है ना। अब 1 के बाद डेसिमल कैसे लाएंगे ये आप बता सकते हो, बता सकते हो, देखो तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1.2, ठीक है, 2, 4, 5, 6 इंटू क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू क्या लिखेंगे, 4, ठीक है, क्या लिखेंगे, 10 रेज टू हम क्या लिखेंगे, 4 लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, दिस इज मास क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब यहाँ तुम क्या कर सकते हो,
राउंडिंग ऑफ यूज कर सकते हो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 2 पॉइंट, देखो 6 को हटाए तो हम क्या लिख सकते हैं 2 4 6, ठीक है, इंटू 10^4 kg। उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हो नियरली राउंडिंग ऑफ, मैं कर रहा हूँ इसको भी हटा सकते हो, तो 1.25 × 10^4 क्या लिख सकते हो 4 kg। इसको भी आप क्या कर सकते हो 5 को हटा सकते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हो 1.2 × क्या लिख सकते हो 10^4। ये राउंडिंग अप करके मैंने लिख दिया। तो हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या करेंगे, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्या करेंगे हम ऐसे लिखते हैं कि याद रखना है कि जब आप इस पावर के फॉर्म में लिखो, आई मीन 10 के पावर पे, इसको साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं, साइंटिफिक फॉर्म है ना। तो साइंटिफिक फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद क्या होना चाहिए डेसिमल, ये नेसेसरी है कि होनी चाहिए आपके जो आप लिख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। यदि ऐसा नहीं है, यदि आप 12 पॉइंट लिखे तो स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं होगा और क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एग्जाम में जनरली जब भी आपसे पूछा जाए ऑप्शन ऐसे पावर में दिया हो तो कोशिश करो साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखने के लिए, आई मीन फर्स्ट डिजिट के बाद क्या होना चाहिए, पहले डिजिट के बाद क्या होना चाहिए आपका डेसिमल प्लेस होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप मास जानते हो, किसका, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10^2 क्या होगा -30, 9.1 × 10^-, क्या हो जाएगा 31 kg। तो वो भी क्या है तुम्हारा स्टैंडर्ड, क्या है स्टैंडर्ड नोटेशन है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 9.1 × क्या हो जाएगा 10^-, क्या हो जाएगा 31 kg। प्रोटॉन का मास आप देखोगे तो कितना होता है 1.67 × 10^2 क्या होगा -27 kg। ये सब क्या है स्टैंडर्ड नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में दिया रहता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × क्या होता है 10^8 m/s, ये भी क्या है स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके बाद हम और भी 2-3 पॉइंट है एरर्स से रिलेटेड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ओके बाय।